हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोकॉन नीट चैनल। आज हम कर रहे हैं टॉपिक पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम पार्थेनोजेनेसिस को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। इसमें से थोड़ा सा टॉपिक अगर हम एक्सटेंड करें तो ये नीट की रेलिवेंट हमें लगता है कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा नीट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस दो वर्ड से बना है, वन इज पार्थेनोस एंड सेकेंड इज जेनेसिस। पार्थेनोस मीन्स वर्जिन, जेनेसिस मीन्स बर्थ, सो इट इज कॉल्ड एज वर्जिन बर्थ। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मॉडिफिकेशन है, किस तरह से? लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके? और अगर वो गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के अगर इंडिविजुअल बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। पहला, गैमेट बन रहे हैं, ओके, इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, इट मीन्स उसकी मॉडिफिकेशन है। सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एग डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट ऑफस्प्रिंग, ओके, एग कंप्लीट ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज मोनोपेरेंटल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो बाईपेरेंटल ये नहीं है आपका, ये मोनोपेरेंटल है। मोनो मीन्स वन, सिंगल पेरेंट से ये ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड है। पार्थेनोजेनेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय बोनेट इन 1745। देन अकरेंस, कहाँ कहाँ हमें किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है? फाउंड इन मैनी नॉन वर्टिब्रेट्स, जैसे रोटिफर्स, एफिड्स, बीस, क्रस्टेशियंस, ओके, जैसे आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है। इट ऑल्सो अकर इन फ्यू वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल थे पार्थेनोजेनेसिस के? फर्स्ट, एच आर टी एल, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, आप याद रख सकते हैं एच आर टी एल से। एच फोर हनीबी, टी फोर टर्की, आर फोर वट रोटिफर्स एंड एल फोर लिजर्ड्स। सो आपके रोटिफर कवर हो गए, ओके, हनीबी कवर हो गई, ओके, तो बचा क्या आपका? लिजर्ड, टर्की, ये क्या है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, ओके, एंड टर्की इज अ बर्ड। तो ये आपके वर्टिब्रेट्स हैं। सो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी और नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हमें ये देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। देन कम्स पार्थेनोजेनेसिस इज ऑफ टू मेन टाइप्स, दो टाइप्स की हैं, पहली नेचुरल, दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल है वो अपने आप होती है, आर्टिफिशियल है वो हम इंड्यूस करवाते हैं। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इट इज अ रेगुलर फिनोमिना इन द हिस्ट्री ऑफ इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सम एनिमल्स, ओके, तो कुछ एनिमल्स की लाइफ हिस्ट्री में एक रेगुलर फिनोमिना है, ये अपने आप होती है। इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस, मीन्स सिर्फ इसी से आपकी फर्दर जो स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी है वो होती है। तो इसके अंदर क्या है? मेल्स आर एबसेंट, मेल्स एबसेंट होते हैं, पूरी पॉपुलेशन में आपका एक सिंगल मेल भी नहीं होता। फीमेल्स डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली, ओके, फीमेल्स पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करती हैं, मीन्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता बिकॉज मेल्स एबसेंट हैं और फीमेल्स पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटिफर्स, टिफ्लिना ब्राह्मिना, अगर आपने देखा होगा, इट इज़ अ वेरी 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 स्मॉल रेप्टाइल, बहुत छोटी सी होती है और बहुत स्विफ्टली मूविंग होती है, सांप की तरह बहुत छोटी सी होती है, आपने कई बार देखा होगा, डार्क रेड कलर की। सो दिस इज टिफ्लिना ब्राह्मिना। देन लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिया का, ओके, रॉक लिजर्ड। देन नेमेडिफोरस, देन इट इज विप्टेल लिजर्ड। सो लिजर्ड्स के अंदर आपको ये कंप्लीट ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है, जहां पे मेल्स एबसेंट होते हैं और जो फीमेल्स के अंदर एग प्रोड्यूस होता है वो एग आपका सीधा पार्थेनोजेनेटिकली नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। सेकेंड आता है इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। सम एनिमल्स हैव बोथ सेक्शुअल एंड पार्थेनोजेनेटिक इंडिविजुअल्स, सेक्शुअल भी होंगे पार्थेनोजेनेटिक भी होंगे। कुछ मेंबर्स पॉपुलेशन में आपके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे और कुछ मेंबर आपके पार्थेनोजेनेसिस से बनेंगे, तो इसमें दोनों होते हैं, इसलिए बोला गया इनकम्प्लीट, मीन्स सिर्फ आपका जो ये ऑर्गेनिज्म है स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी के लिए सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इन दीज एनिमल्स फीमेल कैन प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग्स, दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन। देखिए, अगर हमने एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी फेवरेबल कंडीशन में होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है।
तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड कर सकता है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर आपका फेवरेबल कंडीशन है तो आपकी पार्थेनोजेनेसिस भी हो सकती है। ओके, इन डाफनिया अ फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन क्या होते हैं, सब फाइलम है क्रस्टेशिया। ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमेलिया, तो ये आर्थ्रोपोडा के अंदर सब फाइलम है क्रस्टेशिया। फीमेल लेज अनफर्टिलाइज्ड एग्स दैट डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली अंडर फेवरेबल कंडीशन। देखिए ये है अंडर फेवरेबल कंडीशन, इसको सर्कल कर लीजिएगा प्लीज। तो पार्थेनोजेनेसिस आपकी फेवरेबल कंडीशन में होती है, एंड फर्टिलाइज्ड एग्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और फर्टिलाइजेशन कब होती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के टाइम पे। तो ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट है। इन हनी बी अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू मेल बीज दैट इज ड्रोन विद हैप्लोइड सेल। हनी बी के अंदर जो ड्रोन्स हैं, जो मेल्स हैं जिनको हम ड्रोन्स बोलते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स से पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। ओके, वो एग से सीधा पार्थेनोजेनेसिस से आपका मेल बनेगा हनी बी के अंदर, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई एग की तो उससे बनेगी आपकी फीमेल, और वो फीमेल आपकी क्वीन बी भी हो सकती है, वो आपकी वर्कर बी भी हो सकती है, और वो होती है आपकी डिप्लोइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बन रही है तो वहां पे ये होगी डिप्लोइड, फीमेल होगी डिप्लोइड, मेल होगा हैप्लोइड। और क्वीन बी और वर्कर बी में क्या डिफरेंस होता है, वर्कर बी स्टेराइल होते हैं, क्वीन बी फर्टाइल होती है। अब ये कैसे डिफरेंस होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, थर्ड हमारा टाइप आता है पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस क्या होती है, देखिए अगर लार्वा के अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो उसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ओके, सो इन सर्टेन इंसेक्ट्स लार्वा मे ले एग्स बाय विच डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली। अगर लार्वा ही आपके एग प्रोड्यूस करें और वो एग पार्थेनोजेनेटिकली भी आपके डेवलप हो जाए और नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो लार्वा ने एग दिया और उस एग से पार्थेनोजेनेसिस एक नया ऑर्गेनिज्म बना, इसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ओके, सो दिस इज पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। लार्वा ले एग्स विच डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इंटू अ न्यू जनरेशन ऑफ लार्वा। पार्थेनोजेनेसिस इन लार्वा इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपके टाइप पे। तो सेकंड टाइप है हमारा आर्टिफिशियल, फर्स्ट था हमारा नेचुरल। नेचुरल के अंदर हमने इनकम्प्लीट देखा था, कंप्लीट देखा था और पीडोजेनेटिक देखा था। सेकंड आया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर क्या है, एग्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स सच एज एनिलिड्स, मोलस्क, स्टारफिश, फ्रॉग, हेन, रैबिट एटसेट्रा कैन बी इंड्यूस्ड टू डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। अपने आप नहीं होता, हम इंड्यूस करते हैं, हम स्टिमुलस देते हैं जिस वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है एग की। आर्टिफिशियल स्टिमुलाई मे बी फिजिकल दैट इज प्रिक ऑफ अ नीडल, इलेक्ट्रिक शॉक, चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई आपका फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है, हमने यूरिया ऐड कर दिया, फैटी एसिड्स, इथर, क्लोरोफॉर्म उस वाटर के अंदर ऐड कर दी जहाँ पे एग्स पड़े हैं, उसे स्टिमुलस मिल गया और एग्स का डेवलपमेंट शुरू हो गई। सो ये है हमारी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम के सेट कितने हैं इंडिविजुअल के अंदर, उसके बेसिस पे दो टाइप्स की पार्थेनोजेनेसिस है, आर्हेनोटोकी एंड थैलेटोकी। सो आर्हेनोटोकी में क्या है, हैप्लोइड, ओके, हैप्लोइड इंडिविजुअल्स, और थैलेटोकी में डिप्लोइड इंडिविजुअल्स बनेंगे। सो आर्हेनोटोकी दैट इज हैप्लोइड एग्स ग्रो टू फॉर्म हैप्लोइड मेल्स दैट इज एरेक्निड्स, सम इंसेक्ट्स, जैसे हमने अभी हनीबी की बात की थी कि हनीबी के अंदर जो मेल है वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करता है एंड दैट इज कॉल्ड ड्रोन। थैलेटोकी दैट इज डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, दे ग्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग डिप्लोइड एग, एग कैसे होंगे, डिप्लोइड, हैप्लोइड एग नहीं होंगे, यहाँ पे एग होंगे डिप्लोइड। अब डिप्लोइड एग कैसे बनेगा, अगर हमारा गैमेट मदर सेल या मियोसाइट से बिना मियोसिस के अगर एग बन रहा है दैट इज डिप्लोइड एग। सो दे ग्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, टू फॉर्म डिप्लोइड इंडिविजुअल्स, जनरली फीमेल्स, एग्जाम्पल इज गोल फ्लाई। इसके बाद हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। सो देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर एक चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होती हैं। तो फर्स्ट अपना जो एडवांटेज है दैट इज दिस अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज्म एज स्पर्म्स एंड ओवा। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे था कि मेल गैमेट्स आर सेवरल टाइम्स नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स,
ठीक है, लैक्स के अंदर, मिलियंस के अंदर हमारे मेल गैमेट्स थे, फीमेल गैमेट्स हमारे 1 2 बहुत फ्यू थे। तो यहाँ पे जो वेस्टेज है मेल गैमेट्स का, या आप बोलो कि स्पर्म्स का, वो रुक जाता है। ठीक है, वेस्टेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एग आपके नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे। अडल्ट ऑर्गेनिज्म इज डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, सो इज अ मोड ऑफ हाई रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इज एफिड्स। देर इज नो चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ यूजफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जेन्स बाय क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसमिटेड एज सच। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती बिकॉज आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो भी नहीं होता। ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर होंगे क्योंकि एज इट इज वो एक ही मोनोपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट से वो बने हैं। हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस इज द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस जो आपकी है, जैसे हमने पढ़ा था हनी बी के अंदर, जो आपका मेल है वो हैप्लोइड एग से बनता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है आपका हैप्लोइड एग से ही। दैट इज अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या होते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? इसके अकॉर्डिंग कि हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पे इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम के नंबर आए हैं, कितने क्रोमोसोम के सेट आए हैं, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। वहां पे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इट स्टॉप्स द चांस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, नए कॉम्बिनेशन जो बनते हैं उनके चांसेस को रोक देता है, मींस वेरिएशन नहीं आने देता, अडेप्टेशन नहीं आने देता। तो अगर हम बात करें कि स्पीशीज की, ऑल ओवर स्पीशीज के लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल है, बिकॉज अगर एकदम से एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई तो अडेप्टेशन नहीं आ पाएंगे और पूरी स्पीशीज वाइप आउट हो सकती है। इट अवॉइड्स सिलेक्शन इन पॉपुलेशन, अगर आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, आपकी नई अडेप्टेशन नहीं आ रही, तो आपके सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ अडेप्टेबिलिटी फॉलोड बाय एक्सटिंक्शन, सो अडेप्टेशन नहीं होगी और एक्सटिंक्शन हो सकता है। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। होप आपको समझ आया है अच्छे से। अगर नहीं आया तो प्लीज आपको थोड़ा बहुत भी जहां भी डाउट है, आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और प्लीज उस लाइन को, उस वर्ड को, उस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए, सो दैट यू कैन ग्रैस्प इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सो दैट अब जितनी भी फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा, आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज योर एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।